बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। और मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। बहुत छात्र मुझे कॉल करके बार बार बोल रहे थे कि सर आपकी वीडियो कब आएगी, वो भी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के लिए। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि आपको पता होगा कि जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ वही पेपर में आते हैं, बाकी कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप 85% प्लस लाना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं 2022 के, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बॉटनी का फर्स्ट पेपर है, BSc सेकेंड ईयर वालों के लिए। मैं आपको जो भी क्वेश्चन दूंगा 10 से 11 क्वेश्चन वही पढ़ना है, बाकी कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, बाकी और क्वेश्चन अनजाने में आ भी जाते हैं। तो आप सभी क्वेश्चनों को बना बना के कर दो, मतलब छोड़ के नहीं आना है कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। गलती से टाइपिंग भी हो जाता है उन लोगों से, तो भी आप उसको बना बना के लिख के आएंगे, लेकिन छोड़ के नहीं आएंगे। पहला क्वेश्चन याद रखना, आप बॉटनिकल गार्डनों को याद करोगे, बॉटनिकल गार्डन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अब हर्बेरियम कैसे तैयार किया जाता है आप इसको याद करोगे, और उसके महत्व को याद कर लेना है। और आप देखेंगे हरिश्चंद्र द्वारा जो पुष्पीय पौधा था उसका वर्गीकरण, उसके सिद्धांत को आप याद करोगे। उसके बाद में बेंथम और हुक्कर के वर्गीकरण को आपको याद कर लेना है। मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आपके पेपर में छप रहे हैं। आप सभी लोग पेपर हैकर को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको बताया, देखो विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास से ही सब कुछ है, ठीक है। और याद रखना नोमन कल्चर इज मोस्ट इंपोर्टेंट है। नोमन कल्चर को मैं नीचे दिखाऊंगा, जैसे कुछ फैमिलीज ही आपसे पूछेगी, जैसे कि मालवेसी कुल को आप देख लेना है, लिमेंसी कुल को, कुकरबिटेसी कुल को, सुलेंसी कुल को, और रेनेसी कुल को, और गैमनी कुल को। ये जो कुल आप देख रहे हैं 4 से 5 कुल को आप याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से 2 कुल आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। उसके बाद में टिश्यू सिस्टम तो आप जानते हैं, पौधों में जो ऊतकीय तंत्र होता है वो किस तरीके से होता है, ये आपको याद कर लेना है। और उसके बाद में मेरिस्टम मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेरिस्टम के प्रकार कितने होते हैं 100% आपसे पूछा जाता है, ये क्वेश्चन रट के जाना है। कैम्बियम के बारे की बात करें, कैम्बियम इज मोस्ट इंपोर्टेंट, 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। आप सभी लोग दोस्तों को लाइक कर देना इस वीडियो को। उसके बाद में द्विनाम पद्धति, जिसे हम कहते हैं ना नमनी कल्चर, इज मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद में अपोक्सिम क्या होते हैं, ठीक है। अपोक्सिम को आसंगत जन से बोलते हैं, इसको आप अच्छी तरीके से देख लेना, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट बोलेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद में नीचे जाएंगे, देखो बाकी सब छुड़वा दे रहा हूँ, वही बता रहा हूँ जो आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। बाकी कुछ देखने के, देखो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसको आप देखेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद में हम देखेंगे, नीचे जाएंगे और आपको देख लीजिए, ये है डेवलपमेंट, देखो डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल जेनेटिक फाइट मोस्ट इंपोर्टेंट है। मेल और फीमेल जो जेनेटिक फाइट होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है। उसके बाद में माइक्रोस्कोर कह सकते हैं, माइक्रो देखो माइक्रोस्कोर गेनेसिस क्या होता है, और मेगा स्पोर गेनेसिस क्या होता है, इन दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। और उसके बाद आता है इम्ब्रियोसैक, इम्ब्रियोसैक किसे कहते हैं उसका निर्माण करिए, और इम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। इम्ब्रियो देखो, इम्ब्रियो क्या होता है, इम्ब्रियो का निर्माण कैसे होता है, इम्ब्रियो सैक क्या होता है, और साथ ही साथ एंडोस्पर्म का निर्माण कैसे होता है, एंडोस्पर्म का निर्माण। ये क्वेश्चन थे 2022 में आने वाले क्वेश्चन। आप इतने क्वेश्चनों को याद करके आप 85% प्लस लाएंगे। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करेंगे, और आपका भाई बहन हाई स्कूल इंटर BBSC कर रहा है तो तुरंत पेपर हैकर यूट्यूब को बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बाकी कोई दिक्कत है तो कॉमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। थैंक यू।